आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि डॉक्टर प्रियंका वैद्या के प्रेजेंटेशन में आज स्वामी तन महिमानंद जी महाराज आरके मिशन से पधारे हैं और महीधर जी एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे सोशल वर्कर हैं, वो भी पधारे हैं। तो ये सब हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऐसी विभूतियों को यहाँ लेके आप आई हैं। और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी अद्भुत है, टॉपिक भी बड़ा अद्भुत है, जिसपे कि बहुत लोगों ने काम नहीं किया है, इतना ध्यान भी नहीं दिया है। इनका जो वर्क है सिस्टर निवेदिता पे है और मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी सिस्टर निवेदिता को अच्छे से जानते हैं। वो भारतीय मनुष्यों की परंपरा में जो कुछ विदेशी महिलाएं थीं उनमें अग्रगण्य हैं और स्वामी विवेकानंद के बाद वो श्री अरविंद से भी बहुत संबंधित रहीं और श्री अरविंद को भी उन्होंने बहुत हेल्प की जब वो उनके रिवॉल्यूशनरी डेज में। और इसके साथ मैं स्वामी जी आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मैं प्रियंका जी को बिल्कुल बुलाऊं और आप अपना प्रेजेंटेशन दें। नमस्कार। मेरा विषय है सिस्टर निवेदिता। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि स्वामी तन महिमानंद जी महाराज ने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मेरे वक्तव्य को सुनने के लिए यहाँ पर आए। ये एक किताब है जिससे मैं वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूँगी। तकरीबन आज से 22 वर्ष पूर्व ये किताब श्री श्री रामकृष्ण कथा अमृत मेरे पिताजी ने मुझे भेंट की। इसको पढ़ते समय धीरे धीरे कब भारतीय ज्ञान परंपरा मेरे सामने प्रस्तुत होने लग गई और किस तरह से मुझे सब कुछ अनुभूत होने लग गया वो पता ही नहीं चला। जैसे कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं, अपने अपने शिष्या सिस्टर निवेदिता के बारे में, माई मास्टर हार्डली न्यू वेदांत, माई मास्टर हार्डली न्यू वेदांत बट ही प्रैक्टिस्ड इट। कैसे? जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो जितनी बार मैं इस किताब को उठाती थी उतनी बार मेरे आंखों से आंसू जो है वो निर्झर बहते थे। एवरी टाइम आई फेल्ट इमोशनल वेन एवर आई रेड दैट बुक, दिस पर्टिकुलर बुक, बिकॉज वेन एवर आई रेड इट आई फेल्ट इंटेंस पेन। व्हाट इज भाव समाधि, व्हाट इज निर्विकल्प समाधि, व्हाट इज लव फॉर द डिवाइन, व्हाट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आई फेल्ट दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाइल रीडिंग दिस बुक। हाउ ये किताब आधारित है भारतीय ज्ञान परंपरा पर और ये दर्शन आधारित है वेदांत पर। वेदांत सहज ही आपको समझ आता है जब आप अद्वैत को समझ लेते हैं। और अद्वैत के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू टीच द एब्स्ट्रैक्ट वेदांत फिलॉसफी दैट हैज बीन टॉट अर्लियर। What I want to do it
आई वॉन्ट टू टीच इट टू द स्टूडेंट्स, टू द चिल्ड्रन. आई वॉन्ट टू मेक इट प्रैक्टिकल. आई वॉन्ट टू मेक इट ईजी. हाउ टू मेक दैट ईजी? दैट वॉज अ चैलेंज. वाई सिस्टर निवेदिता वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रामकृष्ण मिशन एंड towards Swami Vivekananda? That is the question. Earlier, when she was 18 years old, then she felt that growing consciousness and that desire to know the Supreme, but she was not getting the answers of her questions. That desire was lurking deeper into her consciousness, and she was tormented by that particular desire. She was a Christian before that. After that, for 7 years, she turned towards the natural sciences and she tried to know the world, the universe. Then again, she felt immense pain, agony, for not knowing the self, not knowing the consciousness. Then what happened? After that, she started believing in Buddha. And she loved to read Buddha. She tried to know the philosophy of Hinduism, philosophy of aparigraha, philosophy of renunciation through Buddha. But then again, in 1895, when she met Swami Vivekananda in London, she realized, what is the difference between believing in Christ, the person who bore immense pain for the mankind, and the one who helps you to get rid of that pain? That was the difference. Because she realized 57 years before Jesus Christ, there was Bhartrihari, who wandered and who wrote 100 verses on renunciation. She came to know about it through Swami Vivekananda. धीरे धीरे वो तहें खुलने लगी. और 3 वर्ष थे जब वो सवाल करती थी एक छोटे से बच्चे की तरह, और हर बात में उसने सवाल करना, और हर बात में उसने स्वामी विवेकानंद जो है एक मुस्कुराते थे जब वो सवाल करती थी. क्यों? क्योंकि उन्हें अपना अतीत याद आता था. स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस में विश्वास करने में 6 वर्ष लगे थे. तो वो सोचते थे, इफ आई टुक 6 लॉन्ग ईयर्स टू बिलीव माई मास्टर, देन हाउ कैन शी बिलीव मी जस्ट इन 3 ईयर्स? दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. बट आफ्टर मीटिंग स्वामी विवेकानंद, शी लर्न. All of you are aware about this. Swami Vivekananda delivered lectures on Karma Yoga, Raj Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga in London during that time. I know him as a practical monk. The most beautiful thing. Why? Because I can see this in Malati Mathur ma'am's smile, like, you know, how practical he was. He never believed in caste, he never believed in religion, he never believed in all these things, just like Ramakrishna Paramahansa. It became so practical for everybody, just like the ripples in the water. He taught Vedanta through that. He talked about the concept of Maya to Nivedita. Now I want to tell you one thing. Yesterday, I was reading a book in the library of Indian Institute of Advanced Study. Though I'm really thankful to the
डायरेक्टर नागेश्वर राव फॉर अप्रूविंग दिस टॉपिक, बिकॉज बिकॉज स्वामी विवेकानंद नेवर बिलीव्ड इन नेशन मेकिंग, ही बिलीव्ड इन मैन मेकिंग. दैट वॉज हिज मेन मोटिव इन लाइफ. एंड वाइल रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक, आई रियलाइज्ड हाउ द थिंग्स चेंज्ड. रिसेंटली वी केम टू नो अबाउट भारत. स्वामी विवेकानंद व्हाट ही सेज in his discourses in a letter in 1896, he writes a letter to Sister Nivedita. In that particular letter he writes, religions of the world have become lifeless mockeries. What the world wants is character. The world is in need of those whose life is one burning love, selfless. That love will make every word tell like thunderbolt. It is no superstition with you. I'm sure you have the making in you of a world mover, and others will also come. Bold words and bolder deeds are what we want. Awake, awake, great ones. The world is burning with misery. Can you sleep? Let us call and call till the sleeping gods awake, till the God within answers to the call. What more is in life? What greater work? The details come to me as I go. I never make plans. Plans grow and work themselves. Isn't it Nishkam Karma Yoga? Detached work. You keep on working without thinking about the result. Isn't it the darshan told in Shrimad Bhagavad Gita? पर ऐसा क्या था स्वामी विवेकानंद के दर्शन में कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए? स्वामी विवेकानंद, when he tasted samadhi, when he tasted the elixir and ecstasy of samadhi, then he asked his master Ramakrishna Paramahansa. What did he say? I want to live in samadhi for whole life. Then what did the master say? I never thought that you will become so selfish. You are made for bigger goals, bigger ends, and you have to propagate Vedantic learning in the entire world. What was the difference? Ramakrishna Paramahansa showed him the direction, but he simplified Vedanta for the common man. How? I will give you an example. How colonizers control our scripts, our literature. I have few examples related to that. If we talk about Bharat, then we find that there are 24 incarnations of Vishnu, 24 Bodhisattva, Buddha, 24 Tirthankars of the Jains. So from where India came, the word India, it was a Greek word. And it was propagated by Europeans. If we talk about Vande Brahma, who wrote the Veda? It was written by the Dhwani, the sounds, and the seers wrote it. It is not written by the authors. They got that particular kind of wisdom and that vision or that inspiration from the divine, and they wrote it. In 1839, Muller wrote a letter to Duke, the then Secretary of the State for India. The ancient religions of India is doomed, and if Christianity does not step in, whose fault will it be? Because how was it doomed?
because of the wrong translations of our scriptures. How? He wrote to his wife in 1886, "I hope the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3,000 years." This is the quotes from the books. So Pathak sir might be having more information regarding it because he has studied it. So this is the thing. But now we should perceive it as if Swami Vivekananda should have hated the Westerners then. No, that was the thing taught by his master Ramakrishna Paramahansa. Everybody on this earth is connected, and we should teach real Vedanta to each and every person in this entire universe without the discrimination of caste, class, gender, race, and religion. So he went to the West to teach the real Vedantic learning, what I perceived. What was the main purpose during that time? Like, you know, during the time when India was colonized, the purpose was to turn Hindus into Christians. That now the conversion is still going on. We all are aware about it. So how to stop the conversion? That is again the most important thing. He went to the West, and Sister Nivedita, who belonged to the Scottish origins, who was an Irish woman, who was a person who taught in London, who opened a school in London, she joined Indian monastic order to serve the people and to propagate Vedantic learning, or to become the exponent of real practical Vedanta. So that absolute consciousness, how Swami Vivekananda simplified it? That is the question. According to the Western philosophy, what happened? Maya was called illusion or delusion. They translated it like that. But it is not illusion or delusion according to our Vedantic philosophy. It is the energy, it is the force, it is the Shakti that helps to meet the absolute or the supreme. It doesn't have any color. It is neither good nor bad. It doesn't have any. It is just like the ripples in the water, ripples in the river. And ripples are the part of the river. Once you get rid of the ripples, you can see the depth of the water, and that water is clean. You can get into the deeper sight. You can get into the deeper truths of the consciousness by removing those ripples, and those ripples are Maya. But this is the part of the truth. That is the part of the Supreme Consciousness. This way, he simplified the Vedanta. Then what happened? In 1896, with E.T. Sturdy and other Western followers of Swamiji, Sister Nivedita started a Vedanta society in London. And again, there was something very tormenting, you know. Thoughts were coming to her, and she was very much compelled to go to Bharat because Bharat was calling her. Swami Vivekananda knew that Sister Nivedita cannot adjust in Bharat because
द स्टे इन भारत विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर हर ड्यू टू हर अपब्रिंगिंग और हर वेस्टर्न बैकग्राउंड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्वामी विवेकानंद राइट्स लेटर्स टू सिस्टर निवेदिता. इट्स गुड फॉर यू इफ यू सर्व वेदांत लर्निंग वाइल बींग इन इंग्लैंड. यू कैन प्रीच ओवर देयर, यू कैन टीच ओवर देयर, एंड यू कैन डू फंडिंग फॉर इंडिया इफ यू वॉन्ट टू हेल्प इंडिया वाइल स्टेइंग इन इंग्लैंड. But Nivedita was not convinced at all. And she convinced society. E.T. Sturdy also wrote to Swami Vivekananda, and he wrote in a letter that Sister Nivedita is really interested to join you in that Vedant movement in India. Then what happened? In 1896, there was the communication going on in between Swami Vivekananda and Sister Nivedita. Swami Vivekananda, as I told you, I gave you an example of a letter, what type of letters he used to write. And in my research, why my research is different? Because firstly, first 2 to 3 months, I read only the letters written by Sister Nivedita and Swami Vivekananda. These are the two volumes of letters, 804 letters. And I read those letters, and you can peep deep into through letters. And it was just like, you know, diving deep into the ocean of consciousness. How a person, this is about the relationship between a guru and a shishya, how that relationship develops. Firstly, when Swami Vivekananda comes to London, then very interestingly, she writes letters to Swami Vivekananda, and she writes letters to Macleod and Ole Bull, and other friends, Mrs. and Mr. Hammond. She writes letters to them, and in those letters, what she says? She calls him the king in the beginning because of his dynamic personality, his aura, and the way he chants shlokas and mantras while preaching. And that authoritative voice, every core of your being, you know, shakes when you listen to the preachings of such a yogic person. Firstly, when she heard him, she was spellbound. She couldn't come out of the deeper layers of that consciousness. It was unveiling her inner self, though he was speaking, but it was unveiling her deeper consciousness. She was looking deep into herself while listening to him. He was transmitting his aura, his energy to his disciples. Very beautiful thing. Once Sister Nivedita writes to Macleod, like, Master never wants anything. He never wants any materialistic thing or anything else in this entire world. What he wants, just men. You might have heard in many lectures of Swami Vivekananda. Give me men, give me men, give me 20 men, give me 100 men. I can change the entire world if I get the selfless men like Ramakrishna. What do you think about the personification? Many times, she saw Shiv in Vivekananda. Many times, Vivekananda says, I see Buddha in Ramakrishna and Ramakrishna in Buddha. Many times, Ramakrishna Paramhans is called Ma Kali. Comes to at one place. Supreme consciousness and absolute truth is one.
स्वामी विवेकानंद सेज, विवेकानंद नॉट ओनली डायरेक्टेड दैट जी, अबाउट रामकृष्ण पर भाव समाधि, ही यूज टू एंटर इन भाव समाधि एंड देन ही वाज बट ही डिलीवर्ड डिस्कोर्सेस फॉर आवर्स, हिज थ्रॉट वाज ब्लीडिंग, ही डिडंट फील द पेन. व्हेन Swami Vivekananda asks him, why can't you get rid of that pain by asking the mother Kali if she can help you to get rid of that pain? You cannot eat anything, you cannot drink. That is so miserable. Then Ramakrishna Paramahansa says, I eat through all the mouths of the world because we all are connected. One more example I want to give you. I really believe in this particular thing. Like, you know, Swami Vivekananda says, Ramakrishna Paramahansa never read Vedant. He says this. But he practiced it. How? In this particular book, Kathamrita, it is mentioned when any pure soul was bitten by anybody, then the scars on the back of Ramakrishna Paramahansa appeared. चोट किसी को लगती थी, वो घाव रामकृष्ण परमहंस के शरीर के ऊपर उभर जाते थे. He was so much one with the universe. This defines that we all are connected. एकेन विज्ञातेन सर्व विज्ञातम भवति. वेद इज सर्टनली द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द नॉलेज, बट इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. व्हाट आई फील, बिकॉज व्हेन आई लुक इनटू द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, देन आई सी दैट ही वाज प्रैक्टिसिंग इट थ्रू आउट लाइफ. And due to him, there was something came in front of our eyes. Like, you know, that they were not mere words echoing in our minds. That was not a theory. And Swami Vivekananda was against that particular theory. He was against about theory only. He wanted to make it practical for the common man. Then at last, Nivedita came to Bharat in 1898. Was it about the change of the name only? Spiritually, she shifted to Bharat in 1895. Spiritually, she was there only. But physically, she came to Bharat in 1895 because she heard her master saying, like, you know, he wants her help to serve the mankind. He wants her help to establish the girl education in India, because at that time Swami Vivekananda clearly says that there was the time, that was the time of superstitions, the people were suffering from discrimination on the basis of there was the widow remarriage was not there at the time, and there were many other problems in the society, and he wanted her to fight against that. But then again a question arises. You might be thinking, didn't he get any Indian woman for that? Yes,
He wrote letters to Sarla Ghosh also at that time. He wrote a very, what we can say, that letter was very agonizing, full of pain. He wanted to get the response of that letter. But, you know, he didn't get the reply. He was disappointed. He thought that I want the lady. Who wants to? What was there? There was the spark in Nivedita. What kind of spark that was? Earlier, while being in London, she opened a school and she took the help of Pestalozzi and Fribble and Ruskin. She challenged that education system in London because it was merely theoretical and she wanted to. Make it playway for children. She made experiments with education there also. She was a rebellious child. And he saw the spark in her. She belongs to the family of freedom fighters because Ireland was also a colonized country. That was in her blood. That rebellion. She could never bear the wrong. What attracted her was the practical learning. That was the spiritual and the practical. So, if we talk about Sister Nivedita's learning process, in Bharat, we have I talked about Jains and Tirthankars, or we all of you are aware about the Bhakti movement poets, or we know about Mira, we know about Tirthankars, we know about Bhartari, we know about many saints who wandered in the mountains, and they propagated that learning. So we cannot call Nivedita a Parivrajak in traditional sense, but while traveling in Himalayas in mountains, she was traveling with her master and she says in letter that journey with the master is a pilgrimage. Journey with the master is a pilgrimage wheresoever you go. If you go along with your teacher, then that particular trip becomes Tirth Yatra. She learned the deeper truths of life by looking at the Swami as Shiv, as Hatha Yogi, a man. Who was always determined, who had knowledge about each and everything. He always says that in one lecture, Swami Vivekananda says, I never ever speak anything beyond Ved and scriptures. I never ever speak anything beyond Upanishads. Whenever he delivered lectures, he quoted and he was the personification, he applied Vedanta also. There was the fine balance. That's why he's called the practical monk, monk and he's called the scientific monk also. So he taught Vedantic learning to her and she also practiced that learning. While traveling as a Parivrajak, we know that they went to Kshir Bhavani, they went to Amarnath and Almora. There were many other pilgrimages they have covered. And she says that 18,000 feet high, and the master was just wearing a dhoti and he was not feeling cold. He entered into the cave of Lord Shiva and after that he didn't feel cold at all. He just a whole hut yogi. He entered into that. He prayed and he came back with an enlightened spirit to bless me. But she was agonized also.
You know that he went Swami, he complains Swami like, you know, I didn't get that particular kind of, you know, state of samadhi. She was agonized because she wanted to experience the results as soon as possible. And Swami was unable to tell her, like, you know, you have entered into that particular you know that particular world of God. You will get the results soon. Same way, whenever Ramakrishna Paramhans was you know tortured by Swami Vivekananda's questions, and then Ramakrishna Paramhans used to go to Ma Kali, complain. He was such a nice, beautiful feeling to look at him and his expression. Used to go to Ma Kali. नरेन समझता नहीं है. तो फिर आके वो अपने डिसाइपल्स को कहते हैं, समझ जाएगा, माँ काली ने कहा है, समझ जाएगा. तो हर बार वो जाते हैं, वापस लौट के आते हैं, उन्हें माँ काली सांत्वना देती है कि हाँ ठीक है, समझ जाएगा. तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, वो जो उद्घाटित होती है इनको पढ़ने के बाद, मेरा जो रिसर्च है वो बेशक भगिनी निवेदिता पर है, पर मैं भगिनी निवेदिता की किताबों को पढ़ के भगिनी निवेदिता तक पहुंच ही नहीं पाई जब तक मैंने उसको कथामृत को नहीं पढ़ लिया, या कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ लिया. तो ये सब एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे बादल आकाश से. वी थिंक दैट लाइक यू नो क्लाउड्स आर डिफरेंट जस्ट लाइक माया, बट दे आर द पार्ट ऑफ द एंटायर यू नो लाइक दे आर द पार्ट ऑफ द क्लाउड्स. सो दैट इज द पार्ट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस. सेम वे आई जस्ट फील दे आर कनेक्टेड. एंड ही इन कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता वॉल्यूम 1, सिस्टर निवेदिता कोट्स अ स्मॉल पोएम रिटन बाय स्वामी विवेकानंद. The title of the poem is, I would like to read just a stanza for you. Awake, arise, dream no more. This is the land of dreams where karma weaves unthreaded garlands with our thoughts, of flower sweet or noxious, and none has root or stem, being born in naught, which the softest breath of truth drives back to primal nothingness. Be bold and face the truth. Be one with it. Let vision cease off. Or if you cannot, dream but truer dreams, which are eternal, love and service free. So after that, after meeting Swami Vivekananda, she starts Vedanta Society. Then in 1898, she comes to India. Then was that Vedantic practice, it could stand alone? No. It comes with a big baggage of philanthropy. It comes with a big baggage or the blessings of the eternal spirit. It comes with the feeling of Ahamasmi Parabrahma. Then, from where she got that energy? She got energy from the Supreme. Just for 4 years, Swami Vivekananda died in 19. She left his mortal body in 1902. In 1898, she came to India for 4 years. In this particular second review, I have covered. Till the book is divided in three parts: before meeting Vivekananda, with Vivekananda, and after Vivekananda. So after Vivekananda, Professor Anand's area will also be there in that
अरबिंदोज रिलेशन एंड यू नो द ब्यूटिफुल कंपेनियनशिप, और सर्स रामानाथन सर सुब्रमण्यम भारतीज रिलेशन विद भगिनी निवेदिता, दैट ऑल्सो विल दैट इज कवर्ड आफ्टर द डिमाइज ऑफ स्वामी विवेकानंद. सो दैट थर्ड पार्ट विल बी कवर्ड इन द लेटर पीरियड ऑफ माई रिसर्च. But in the second part, I have talked about the illuminating encounter between Swami Vivekananda and Nivedita. Then after that, she accepts Vedanta as the philosophy of life. Then that there was the fear of untrodden paths. Will the Hindus accept her? Will Bharat accept her? How will those people treat me? Will I be accepted by the far eastern horizons? Will I be able to challenge that racism? There were many questions. She was afraid of all that, because in letters, Swami Vivekananda told her primarily about the challenges which are there in India. Then she enters her karma bhumi Bharat. She wanted to die an Indian death. Rabindranath Tagore calls her more Indian than any other Indian. And she is called Lok Mata also. Lok Mata. अगर हम रामकृष्ण परमहंस में माँ काली की झलक देख सकते हैं, तो भगिनी निवेदिता में माँ की झलक क्यों नहीं देख सकते? It is all about the emotions, about the feeling of the supreme. Where there is no gender, there is no caste, there is no religion. Then traversing as karma yogi, that is the chapter. Traversing as karma yogi, in that particular chapter, she is given the chance to speak at Albert Hall, that is just the beginning of her journey in India. And she came to India. She gets the opportunity to speak out in Albert Hall. What happens over there? People doesn't accept her at once. People do not accept her at once. She believes in Ma Kali, and there are the people who belong to Arya Samaj. They challenged her. There are the people like Sarkar and many other who challenged her, and they put questions upon her. Like she was supported by the Supreme through her master, through her Guru Swami Vivekananda. She was not afraid of anything at all. She delivered lecture, and later on she was invited at Dakshineshwar temple at Kali Ghat to speak upon Ma Kali. Just imagine an Irish woman speaking about Ma Kali among all the people, among all the orthodox Hindus of the time, who thought that they can be the exponents of Vedantic learning, but nobody else can. So she spoke in front of them. That was like she was traversing as Karma Yogi, and Swami Vivekananda showed her many times like what he expects from her. And Swami went to the West, and Nivedita understood her existence. With her manifold intellectual interests, Margaret had rooted trouble, namely the growing consciousness of uncertainty and despair with regard to religion. At this time, Swami Vivekananda reached London with the message of Vedanta, and his words came as living water to men perishing of thirst. To quote Margaret's words, she met him first in 1895. So, Nivedita, Swami Vivekananda imparted
नॉलेज टू सिस्टर निवेदिता ड्यूरिंग हिज स्टे इन लंदन ड्यूरिंग द लेक्चर्स विच वर डिलीवर्ड वीकली. अप्रॉक्सीमेटली 4 लेक्चर्स ही डिलीवर्ड एंड ऑल द टाइम ही वॉज रशिंग फॉर समथिंग. When I reach Swami Vivekananda, I feel he died at the age of 39. At 30, he came in the contact with, Ramakrishna Paramhans, and he realized his existence. And somebody asks him, स्वामी जी, आप बहुत जल्दी जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करना था. तो वो कहते हैं कि मैंने इतने समय में 1500 सालों का काम कर दिया है आगे आने वाले. दिस इज कोटेड बाय स्वामी विवेकानंद. ही सेज दैट आई हैव गिवन द दर्शन ऑफ नेक्स्ट 1500 ईयर्स फॉर द पीपल. दैट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी ही वॉज. आई नेवर सॉ हिम रेस्टिंग. आई डोंट कॉल हिम अ गॉड, आई कॉल हिम अ ह्यूमन. मेनी टाइम्स पीपल पुट क्वेश्चंस अपॉन द थिंग्स लाइक दे शुड रीड अबाउट अ घोरीज ऑल्सो. देयर आर वेरियस सेक्ट्स ऑफ हिंदू धर्म. इन द स्कल दे ईट फूड, दे ईट कच्चा मांस ऑल्सो. वाई? फॉर डिटैचमेंट और टू टेल दैट एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द सुप्रीम. किसी चीज से घृणा नहीं करनी, जिससे घृणा हो रही है उसे ग्रहण कर लो ताकि वो हमारे शरीर का अंग बन जाए, हिस्सा बन जाए. When the people put question marks upon the minor things like, they say smoking, cigar, and all that, he was also a human. If Mahatma Gandhi can write in my experiments with truth, like two naked women used to sleep with him because he wanted to check out his, desires. Why can't Swami then smoke? If he did it, he was also a human. In his complete works, he mentions that I want to get rid of it. That is my problem. He never promoted it. Right. In many conferences, people ask the question. So it was something somewhere in my mind. I replied early. So it was his philosophy was based upon Brahma Satya Jagat Mithya. यहाँ जगत मिथ्या से जो है मतलब वो झूठ से नहीं है, वो माया से है. माया, एज आई टोल्ड यू बिफोर. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय त्रिगुणात्मक फिलॉसफी. वी ऑल आर अवेयर अबाउट त्रिगुण, सत्व, रजस एंड तमस. सो दीज थ्री थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द माया. व्हेन देयर इज सत्व, देन द बबल्स, द रिपल्स आर एरोडेड, दे आर एलिमिनेटेड एंड यू कैन पीप डीप इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशन. Into the depth of the supreme. So, there is another thing, ekoham bahumasyam. So, which signifies that everything seems multiplied in the world, but there is oneness. हम बोलते हैं ये फूल अलग है, ये पौधे अलग है, ये पेड़ अलग है, ये सब कुछ अलग है, आप अलग है, मैं अलग है, बट एवरीबॉडी इज कनेक्टेड. That is lying deeper at the philosophy, at the darshan of Advaita Vedant. We all are connected.
सो दैट इज एलिमिनेशन ऑफ ड्यूअलिटी इज द असेंस ऑफ वेदांत. वन डे द मास्टर पॉइंटेड टू द ओपोजिट बैंक ऑफ द होली रिवर गैंजेस जस्ट अक्रॉस द बलूर एंड आस्ट हर द मोटिव ऑफ हर लाइफ. आस्ट निवेदिता द मोटिव ऑफ हर लाइफ. इट वॉज द ओपनिंग ऑफ अ स्कूल फॉर वेमेन. एट दैट टाइम इट वॉज द मोटिव. बट स्टिल यू नो स्कूल खोलना था. प्लेग में प्लेग फैल जाता है. एक बच्चा निवेदिता की गोद में मर जाता है. वो बहुत करीब से मौत को देखती है तो स्वामी विवेकानंद से शेयर करती है कि मैंने पहली बार मौत को इतनी करीब से देखा. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ. डेथ इज माँ काली. शी शेयर्स हर डीपर कॉन्शियसनेस विद द मास्टर. डीपर फियर्स विद द मास्टर. शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एट ऑल. वाइल सर्विंग द पीपल ड्यूरिंग एपिडेमिक एवरीबडी वॉज अफ्रेड ऑफ प्लेग. शी वॉज नॉट. एक बार वो झाड़ू उठा के सफाई करने लग जाती है ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि हाँ वो भी थोड़े से झंकृत हो जाए कि उन्हें भी सफाई करनी चाहिए. शी वॉज सेंसिटाइज्ड बाय हर मास्टर. अंदर से ही उसमें वो भारत की कन्या पहले से ही थी. वो स्वामी विवेकानंद की मानस कन्या भी पहले से ही थी. पर गुरु के निर्देश के बिना, गुरु जब तक मार्ग ना दिखाए उसके बिना रास्ता कभी प्रशस्त नहीं होता. जैसे कि स्वामी विवेकानंद शिकागो कभी नहीं पहुंचते और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में हिंदू धर्म को कभी भी सामने नहीं रखते. उनका एक बहुत अच्छा तरीका था. मैं कई बार स्वामी जी बैठे हुए हैं यहाँ, मैंने इनसे पूछा कि वो तो क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट करते थे, वो तो बुद्धिज्म को भी एक्सेप्ट करते थे, इस्लाम को भी एक्सेप्ट करते थे. एक बार स्वामी जी कहते हैं कि मैं कहीं पर गया हुआ था, मतलब परिव्राजक एज अ मंक में आई वॉज वॉन्डरिंग और मेरे उनके पास कोई आता है और उन्हें कोई मुस्लिम उन्हें उनके भूख से प्राण निकलने वाले होते हैं. कोई मुस्लिम जो है उनके प्राण जो है उन्हें बचाता है. ये प्रसंग आता है. और एक बार एक और प्रसंग आता है जिसमें यह बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद लगातार 3 दिन से प्रवचन कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे. किसी भी शिष्य के दिमाग में ये नहीं आया कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ खाया है कि नहीं. एक अछूत उनके पास आता है और वो अछूत जो है उनसे पूछता है कि स्वामी जी आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है. तो स्वामी जी की आंखें भर आती है और स्वामी जी जो है वो भोजन उसके हाथ का ग्रहण करते हैं, जबकि वो भोजन देते हुए डर रहा था कि समाज में कहीं उसको बहिष्कृत ना कर दिया जाए. मैंने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ऐसे कैसे, वो तो सभी के. तो स्वामी जी ने कहा कि वही तो उनका प्रैक्टिकल वेदांत है. वही तो है जो अद्वैत को बताता है. वही तो है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है, जिसमें कोई भी अलग नहीं है. तो स्वामी विवेकानंद निवेदिता को कहते हैं, निवेदिता हाउ कैन यू स्लीप इफ माय इंडिया आर इंडिया इज सफरिंग. व्हाई इज इंडिया सफरिंग ड्यू टू हंगर एंड पॉवर्टी. व्हाई इज देयर चाइल्ड मैरिज. व्हाई आर विमेन इलिटरेट. हाउ कैन द बर्ड फ्लाई विद वन विंग विंग जस्ट मेन. व्हाई आर चाइल्ड विडोज लीडिंग मिजरेबल लाइव्स. व्हाई इज द वेस्ट डोमिनेटिंग आवर लाइफ. व्हाई आर द विमेन अनएजुकेटेड. Why is man different from man? Why is their untouchability prevailing? These are the questions. Then, at one stage, I realized that Swami Vivekanand, while as a Parivrajak, when they were wandering in Himalayas, then Swami Vivekanand talks about each and everything. He went to a place. He went to Rajasthan. Then he talked about Meera. He sang the songs of Meera, and he was always in ecstatic
mood, and he smeared ashes on his body. He wore like Shiv. He started dancing, he started singing. He was a wonderful musician. Do you remember, in first meeting, when Ramakrishna Paramhans met Swami Vivekananda, then Swami Vivekananda sang a bhajan, and Ramakrishna Paramhans went into bhav samadhi while listening to that bhajan. That was something that intoxicates everybody. Then when he went to the Himalayas, or when he saw the architecture, then he talked about the architecture also. You might be knowing that in one day he used to read one book, and his memory was so sharp. He quoted from the books most of the times. He quoted from scriptures, he chanted mantras, and the Cradle Tales of Hinduism book. That book is written by Sister Nivedita. She has written notes on my notes of my wanderings with the master. She has written the five volumes are there, and there are many books written on her life. Most of the books are written by the Westerners. I have read that Roma Rola. I have read the book written by Reba Sohm. There are the books written by the writers, the monks from Ramakrishna Mission. Parivrajak Atmaprana is one of them. And there is another book, Agnishikha Nivedita. So, but why do I find that my work is different? Because I feel it more. In last lecture, somebody suggested me. A professor who was a fellow here, he suggested me, Priyanka, अगर रिसर्च करनी है तो डिटैच होके करो. मेरा रिसर्च करने का तरीका है डूब के करने का. मैं अटैच होके कर रही हूँ, बिकॉज इससे मैं जुड़ी हूँ तकरीबन 20-25 सालों से. और मुझे नहीं पता था कि मैं रामकृष्ण परमहंस से शुरू होकर निवेदिता तक पहुंचूंगी, और आगे निवेदिता से शुरू होकर पता नहीं कहाँ पहुंचूंगी. तो ये जो रास्ता है, ये बहुत लंबा चला है, और इसमें इसे आत्मसात किया है. एक वाद के तौर पे नहीं, प्रतिवाद के तौर पे नहीं, संवाद के तौर पे. निवेदिता डिस्कसेस रामकृष्ण इन द फेसिंग डेथ आल्सो. दैट इज एन आर्टिकल ऑन रिलीजन एंड धर्म. शी हैज रिटन अ बुक ऑन डेथ आल्सो. So strong souls live like fire-hearted sons to spend their strength in the farthest section, breathe freer in mighty anguish than in trivialities, and the words ring true for such a strength, and such are the heroes who are born of mother, who are born of mother. So she writes a letter to Mrs. Olable. And in that letter, she says, his coming west is like the rising of the sun or the coming of a god. It seems as if he were coming on the wings of swiftness and strength. So in an address that is delivered in 1902 in Bombay, in Hindu Ladies Club, he mentions about her life journey, like how he struggled for the truth, and how was he disturbed due that quest for learning before meeting Swami Vivekananda. Then Swami Vivekananda lived in the world for 39 years, 5 months, and 24 days. He started his public work at the age of 30. So he worked for about 7 years, and then he said, I have given enough to thinking humanity for 1500 years. That is a quote in the book written by Chetananda ji. So then Jiddu Krishnamurti, Annie Besant, who played major roles during Indian independence, joined the Vedantic movement along the thinkers like A.O. Hume. Swami wanted to conquer all the physical, psychological, social, and cultural barriers to become the flag bearer of Vedanta. I would like to mention that she
शी ज्वाइंट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट दैट इज टू बी कवर्ड इन माई नेक्स्ट लेक्चर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू शी वॉज इंस्पायर्ड बाय अरबिंदो घोष एंड शी वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम. एंड देयर इज इफ यू टॉक अबाउट सुब्रमण्यम भारती ऑल्सो, ही हैज रिटन, ही हैज डेडिकेटेड हिज बुक टू सिस्टर निवेदिता एंड ही हैज रिटन पोएम फॉर निवेदिता ऑल्सो. ही वॉज ऑल्सो सेंसिटाइज बाय सिस्टर निवेदिता टू राइट फॉर द लव फॉर भारत. ही यूज टू राइट अबाउट एस्थेटिसिज्म एंड अबाउट इंडियन एस्थेटिक्स, अबाउट द ब्यूटी, बट देन ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट भारत. सो ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड. इफ यू टॉक अबाउट गोखले, इफ यू टॉक अबाउट लाल पाल बाल, ऑल ऑफ देम वर कनेक्टेड विद सिस्टर निवेदिता थ्रू लेटर्स ऑल्सो, एंड शी ज्वाइंट द फ्रीडम मूवमेंट एंड शी वेरी इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल, लाइक शी प्रोपोगेटेड दैट एग्रेसिव हिंदुइज्म बिकॉज शी वॉज सेइंग दैट जब तक खून गर्म नहीं होगा तब तक कैसे लड़ोगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. वो एक और मुझे इंसिडेंट याद आता है कि जब वो व्हेन दे वर ट्रेवलिंग इन 1896, तो स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता से पूछते हैं कि तुम्हारा फ्लैग कौन सा है, तो उसके जहन में आता है कि माय फ्लैग इज ब्रिटिश. तो स्वामी विवेकानंद जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो बट वो उसे कुछ बोलते नहीं है भगिनी निवेदिता को. और तकरीबन 2 साल के बाद भगिनी निवेदिता एक लेटर में लिखती है और कहती है कि अब मैं भारत के लोगों को जो ये यंग इंडिया मूव जो है वो चलाना चाहती हूँ, वो लेडी बनती है जो भारत का पहला जो है फ्लैग डिजाइन करती है जिसमें कि वज्र है जो स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है, वो औरत बनती है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो है ऑफिशियली रामकृष्ण मिशन से रिजाइन करती है. स्पिरिचुअली वो जुड़ी होती है जो कि आत्मा से अलग नहीं हो सकता रामकृष्ण मिशन उसके, पर वो ऑफिशियली रिजाइन करती है बिकॉज वो नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहती है. वही औरत जो कहती है कि अब भारत का फ्लैग मेरा फ्लैग है, वही औरत जो ये कहती है कि आई वॉन्ट टू डाई एन इंडियन डेथ और By all the rituals that is done by Ramakrishna Mission. So these things are there. And Nivedita was living in a time of tremendous religious uncertainty and realized that belief in the dogmas of Christianity has become impossible to us, and we had no tool as we now hold by which to cut away the doctrinal shell from the kernel of reality in our faith. Vivekananda's call that I am God, that divinity lay within each one of us, was starting in its direct simplicity and seemed as living water to men perishing of thirst. That is written in Roma Rola's Life of Swami Vivekananda. So, to Swami Vivekananda, Margaret was a Celtic Kshatriya, a warrior woman, whom he bade in an inspired mood to go out into the world and fight for me. He asked her to fight for him. She came to open a school. She jumped into serving mankind. She becomes a philanthropist. She becomes a writer. She becomes a revolutionary. She became a freedom fighter. What not? She became a traveler. She wrote about the Vedant Darshan. She wrote about the cradle tales of Hinduism. She wrote a book, Kali the Mother also. Who inspired her to write that book? Ma Kali inspired her to write. There is something divine that pervades everywhere. You don't know from where are you speaking. You do not know from where are you writing. That is supreme consciousness. If you are connected to the divine, then you get that insight. You are not holding the pen. You are not holding the sword. There is someone who is holding it. She talks about Bhagavad Gita in one hand and
sword in another hand. And I believe in that. That was the time of the turmoil. India was colonized. It was a very tough time when a woman, Irish woman, came to India and she made her place. And she taught Indians to fight for their own freedom. She sensitized them. ये रामकृष्ण परमहंस के ऊपर जो है वो कैलेंडर लगा था, उन्होंने नीचे लगा दिया उनकी तस्वीर के, कैलेंडर को नीचे कर दिया. भारत माँ को क्यों याद नहीं करते? शी आस्क स्टूडेंट्स लाइक यू नो द क्वेश्चंस व्हेन शी फाउंड दैट टोटली शी आस्क देम टू टॉक अबाउट देयर ओन कंट्री rather than talking about the words given by the people who have colonized their minds. So she was like Swami paved the path of that, and Swami Vivekanand was talking to Nivedita in one of her letters to Miss J. McCloy. She writes like he was talking about his relationship with the Maa Kali. The Swami Vivekanand kya kehte hain? How I used to hate Kali, he said, and all her ways. That was the ground of my 6 years' fight, that I would not accept her, but I had to accept her at last. Ramakrishna Paramhans dedicated me to her, and now I believe that she guides me in every little thing I do and does with me what she will. Yet I found so long I loved him. You see? And that was what held me. I saw his marvelous purity. I felt his wonderful love. His greatness had not dawned on me then. And all that came afterwards when I had given in. At that time, I thought of him as a brain sick baby, always seeing visions and the rest. I hated it. And then I too had to accept her. So he tells her, you need not to accept me. Firstly, understand. That is the practical learning. Then after that, accept me. Because I didn't accept my master like that. So once Vivekanand tasted the ecstasy of samadhi and had told Guru Ramakrishna to allow him to remain in that state only. So Ramakrishna Paramhans says, no, you cannot be that selfish. You will teach others. You will awaken India. So, Swami Vivekananda says, like, you cannot form any idea of the misery, the superstition, and the slavery that are here. You will be in the midst of the mass of a half-naked men and women with quaint idea of caste and isolation, shunning the white skin through fear of hatred and hated by their intensely. On the other hand, you will be looked upon by the white as a crank, and every one of your movements will be washed with superstition and suspicion. He warned her, if you come to India, then you have to face all the things related to weather, outer conditions, and the inner conditions also, which will be challenging for you. So, what Swami Vivekananda's main motive? The dry, abstract Advait must become living, poetic, in everyday life, out of hopelessly intricate mythology must come concrete moral forms, and out of bewildering yogism must come the most scientific and practical psychology. All this must be put in a form so that a child may grasp it. That is my life's work. By the practical application of Vedant, apparent contradictions in life cease to exist. The fictitious differentiation between religion and the life of the world must vanish, for the Vedant teaches oneness, one life throughout. So, in Vivekananda's absence, Nivedita took charge of the Vedant movement in London, with the support of E.T. Sturdy and other members. And Brahmavadin was the patrika at the time, and she used to give all the feedback
to Brahmavadin about her activities in London. But still, at the same time, she was talking about her inner state of being also like, I want to come to India. So I want to feel the air of Bharat, the spiritual existence that that particular supreme consciousness as a wanderer, as a parivrajak. That was possible only after coming to India. So then she talks about the poem Kali the Mother that Swami wrote. In the book, she also mentions about it. She wrote a book, Kali the Mother. Swami Vivekananda wrote a poem, Kali the Mother. So that poem is, Nivedita talked about the solitary times of a master and his devotion to Ma Kali. In the master, as I saw him, he went into a trance. His body was numb and something beyond the flights of imagination and limitation of perception. This divine creation took shape. He fell on the floor. His fingers wanted to shape Ma, and there was his manuscript poem, Kali the Mother. The stars are blotted out, the clouds are covering clouds. It is darkness, vibrant sonnet, and the roaring, whirling wind. Are the souls of a million lunatics just loosed from the prison house, wrenching trees by the roots, sweeping all from the path? The sea has joined the fray and swirls up mountain waves. To reach the pitchy sky, the flash of lurid light reveals on every side a thousand shades of death, begrimed and black, scattering plagues and sorrow, dancing mad with joy. Come, mother, come, for terror is thy name. Death is in thy breath, and every shaking step destroys a world forever. Thou time, the all destroyer, come, O mother, who dares misery, love, and hug the form of death, dance in destruction's dance. To him the mother comes. To him the mother comes. After completing the poem, Swamiji emerged from his samadhi state and fell. Swamiji had shown Sister Nivedita a path and freedom. Initially, the small path would lead to Bhagavati Kali Ma or Brahma Bhav, also called Brahma Bodh. A sadhak continues to worship and practice sadhana. His experiences broaden and he becomes aware of the wider dimensions of the idol of Kali. This leads to the idol becoming bigger and realizing the sagun form. Overcoming obstacles allows a man to transition from sagun form to the nirgun form, from the corporeal to the formless. That is mentioned in the life of Ramakrishna also, and in the through the letters of Sister Nivedita also, we can see that. Ramakrishna Paramhans, firstly, there was dwet, because he used to worship Ma Kali and he was so much in love with the image of Ma Kali that it was really tough for him to enter into samadhi. And his guru Totapuri asked him, that image of Ma Kali by imaginary, sword, and then he can enter deep into samadhi. So when he entered into samadhi, then there was Kali helped him to move from dwet to advet. That is there. So Ramakrishna offered Vivekananda to Ma Kali, and Vivekananda offered Nivedita to her. She delved into the Ardhanarishwar. She talks about Ardhanarishwar also, Purush and Prakriti also. And I have a new feeling about Kali. Nivedita writes to a friend, I have a new feeling about Kali. I look at the intoxicated eyes of Shiv, the prostrate god at her feet. I see how they indeed meet hers. She is Shiva's vision of the mother. Shiv sees the divine in such a guise. Shiv is Kali, just as Kali is Shiv.
is the truth of it all just a response to the vast workings of the human mind? Does man, in a word, create God? I wonder. The secret of the universe has one thin veil of coquetry. In her meditations, Nivedita experienced an absorbing fullness. Kali, my mother, I am thy slave. She prayed, I know little to please thee. I only love dearly. I only love dearly. So, हम क्या माँ काली और भारतीय दर्शन को इतना समझ पाए जितना भगिनी निवेदिता ने समझ लिया? हम सिर्फ उसे एक स्टोरी देखते हैं कि माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव जो है वो माँ काली के कदमों में लेट गए। भगिनी निवेदिता उसे कहती है कि काली ही शिव है, शिव ही काली है। दैट इज लाइक शी एज इफ समथिंग दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंटर्ड इनटू हर बीइंग थ्रू स्वामी विवेकानंद एंड टू स्वामी विवेकानंद थ्रू रामकृष्ण परमहंस। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु व्हाट आई रियली फील। So the chapter I covered is like pilgrimage of the inquisitive mind also, and after that I will be covering the chapter at the lotus feet of Ma Kali also, right? Because that is the book she has written. There are many books written by Sister Nivedita, and her primary sources are so many, like, you know, you hardly get time to delve deeper into the secondary sources because this 2 years time is so less, like, to enter deep into this journey. And by the blessings of Swamiji, I would like to conclude. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी द्वैत से अद्वैत की तरफ जाएं और हम भी पार से अपार की तरफ जाएं और हम अध्यात्म को सही में समझें और वेदांत दर्शन को जो है वो प्रैक्टिकल मानकर सच में गुरु शिष्य परंपरा को अनुभूत करते हुए अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारतीय दर्शन को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। So now you have concluded. Okay. So this was an excellent but a very prolonged presentation. And she has covered many of the things like Advaita Vedanta in various ways, which answers, you know, including your caste and, you know, communal issues and. Another thing about, like in India, often we say that the king ruled for 10,000 years. He lived a life of 10,000 years, which very beautifully she explained that each day was equal to, each day's work was equal to, say, 1,500 years. So like as, so we find these things in Indian traditions, in Indian stories. So Vivekananda, if you want to say, you know, in a simple way, he lived for 1,500 years. Yes. He's still there. And Sri Aurobindo got the idea of, you know, which he elaborated later on about the supermind. Supermind coming on the earth from Swami Vivekananda. Well, like, I'll not go into all those tales. And she answered about smoking. Which, you know, many people would be very disturbed seeing a master smoking. No, but you know that in the human body, when you are in the human body, you are the product of your culture. Okay, so, you know, that was a simple explanation that, you know, because you dress in a particular way, why not in another way? Somebody may object, but being the part of the, you know, like she said, three prakritis and its manifestation. So it is the question of attachment, which was not there. Even if you smoke cigar, same thing happened with Sri Aurobindo. He met only five persons in his life
After he went into seclusion for 24 years, and जी one interview he granted not to Mahatma Gandhi, he refused, but to his son. And his son say asked him, "Why do you smoke cigar? Are you attached to smoking?" So, Sri Aurobindo answered, "You are attached to non-smoking. You are attached to non-smoking." So, these are, simple issues, huh? Like Shankara and the tiger. And then she talked about the revolutionary activities, and about the universal mother, and about the Shastra and Shastra, which so I'll conclude here. And there is one very beautiful novel I'm reminded, you can look at that. That is by Hermann Hesse, Narcissus and the Gold Mound, where I think he was deeply influenced by Swami Vivekananda, or maybe by Sister Nivedita, because he mentions plague also and the universal mother. That is a book on Tantra. Thank you, If sir. you find time, you can just have a look at that. You. And with this, I will invite, say, about five questions, not more than that, because she has spoken enough, and I cannot allow more than. Also speak more. Swamiji, I'll give 2 minutes at the end. Okay. So now I'll request only five questions will be allowed. Be brief. Thank you. Not so much a question, something, adding to what you said. I had occasion to read a very new book on Vivekananda, the Philosopher of Freedom, which came out just last year by Govind Krishnan. Yeah, you have that. Wonderful. So it talks about how much of an advocate of individual freedom and was, talks about his views on cow slaughter, talks about his views on eating meat. He never told people to give up meat. In fact, he advocated that people should eat meat in order to become bodily strong. He also gives examples of how Sita had vowed for so many kilos of rice and meat if, the wish was fulfilled and all of that. And also the fact that both Ramakrishna and Vivekananda explored Christianity and Islam in their spiritual quest, which is Yes, something that that comes is, across very, very yes. clearly, and how he initiates a Muslim into the Vedantic philosophy and gives him the name of Mohammed Anand. So these are the kind of things that we need to be looking at when we are increasingly going into polarization. I want to speak about this particular thing. Very brief. Very brief. Once It was just a comment, yeah. what happens like happened, Ramkrishna, there is the in gospel it comes. Ramkrishna Paramhans is having discussion with Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda says, "Whenever I cross that, meat shop, I feel like eating meat, and I do not eat because I try to control my desire to eat meat." Ramkrishna Paramhans says, "If you want to eat." And all the time, if you want to meditate and all the time you are thinking about meat, you will not be able to meditate. Firstly, eat it, then leave it. And after that, Swami Vivekananda leaves eating meat because he experienced that thing. So that also comes and Well, huh, yes. you have already covered that earlier about Advaita Vedanta. It is all part of Advaita Vedanta, which transcends religion and caste and Islam or Thank you, anything. sir. Thank So you. you have already answered that. Now I'll request Professor Budhoti. प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ. धन्यवाद. वेरी वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन है ना, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर समान अधिकार, शब्दों के धन्यवाद. माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से. मैं आपसे केवल दो प्रश्न छोटे छोटे से पूछना चाहता हूँ. डॉक्टर साहब ने 5 प्रश्न के लिए अनुमति दी है, नहीं, सबके सबको लिए. पास मिला बहुत छोटा सा, आपने इसमें
एक जगह ये कहा है स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, आपकी उपस्थिति में बहुत आनंद दे रही है और मुझे भी प्रेरणा मिल रही है कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा मैं भी किसी स्वामी जी को बुलाऊंगा। नहीं ये राधा नहीं, हमारे हनुमान जी के भक्त को बुलाएंगे। तो प्रियंका जी आपने एक जगह ये कहा है कि जब किसी को चोट लगती थी तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने ऊपर लेते थे, तो किसी को या उनके किसी शिष्य या भक्त को, क्योंकि एक बार हमने सुना उसमें कहीं लिखा है कि उनके पीठ पर भी खूब कूड़े पड़ रहे थे। एक मिनट ये वन क्वेश्चन है, किसी के भी या उनके किसी शिष्य भक्त पर। दूसरा दूसरा एक बहुत अच्छा जो आपने बार 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 अद्वैत दर्शन और नव वेदांत, शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है और ये इन्होंने उसी को लेकर के नव वेदांत के रूप में रूपायित किया, तो दोनों के लिए एक उदाहरण दिया है शायद शंकराचार्य जी ने भी, विवेकानंद जी ने भी, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक नीचे की डाल पर एक ऊपर की डाल पर, और जो नीचे वाला है वो एक एक फल को, आम के फल को किसी को खाता है और नीचे खट्टा लगता है फेंकता जाता है, फिर दूसरी डाल पर जाता है, फिर तीसरे पर जाता है और आखिर तक पहुंच करके जब उसमें जाता है तो फिर उसी में मिल जाता है ना। तो ये एक उदाहरण है और एक अद्वैत दर्शन का है, और एक तो अद्वैत और नव वेदांत में जो माइन्यूटली अंतर है वो क्या है? एक मिनट, इट इज अ वेरी अनप्लेजेंट टास्क टू बी अ चेयरमैन। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट स्वामी जी टू आंसर योर क्वेश्चन ब्रीफली, सो दैट विल बेनिफिट यू ऑल्सो एंड अदर लिसनर्स ऑल्सो। आप इसको ब्रीफली कह दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क अबाउट रामकृष्ण कि उनको चोट, उनके किसी शिष्य को, ये दो एग्जांपल्स उनके लाइफ में आते हैं। जी जी, वन बोट्समैन वाज गोइंग थ्रू गंगा, वो सिंपल दे वर क्वारलिंग, उसमें किसी ने उनको, एक नाविक को किसी ने पीठ पर थप्पड़ मार दी, रामकृष्ण वाज सिटिंग इन द रूम, उनके पूरे पीठ पर दाग आ गई थी और उन्होंने कराह उठे थे, मतलब बड़ी दर्द से। वो आदमी ना तो श्री रामकृष्ण को जानता था ना ये जानते थे, इसलिए ये है कि जैसे अपने पुत्र को होता है तो उसका दुख होता है, वो नहीं था। दूसरा एक उदाहरण आता है, जब वे, उनका कैंसर हो गया था और वो काशीपुर में रहा करते थे, गंगा के उस पार में, बेलूर मठ के जस्ट अपोजिट साइड में, तो वहां पे एक शिष्य थे जो मछलियां मार रहे थे, तो उन्होंने उनको बोला कि यार क्या कर रहे हो, उसे जब पकड़ता है तो मुझे दर्द होती है। और एक और शिष्य था वो जस्ट घास पे चल रहा था, गरे हरे हरे घास थे उसके ऊपर, उन्होंने मना किया, लग रहा है मेरे हृदय पे कोई चल रहा है, उसको मना करो। ये जो घटनाएं हैं, मतलब कॉन्शियसनेस कनेक्टेड टू एवरीबॉडी, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस, अहम आत्मा सर्वभूतेषु प्राणिनाम हृदये तिष्ठति इत्यादि बोलते हैं, या सर्वम खलविदं ब्रह्म कहते हैं, या यत पिंडे तत ब्रह्मांडे की धारणा है, वो सभी के लिए। यही घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी आती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन डेट मुझे शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन एक रात को वे अपने कमरे में थे, तो वो बड़े रात को नींद से तड़प उठे थे कि क्या हो रहा है, बड़ी दुख की बात है। तो उनके शिष्य जो विज्ञानंद जी, सॉरी उनके गुरु भाई, वे पास में थे, बोले स्वामी जी क्या हुआ, कहीं बहुत, कुछ लोग बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख हो रहा है, सुबह न्यूज आई कि कोई जो जहाज था वो डूब गया था, उसके सारे लोग मारे गए थे। तो ये घटना है जिसमें श्री रामकृष्ण देव का जीवन का आता है, स्वामी विवेकानंद का भी जीवन आता है। अब यहाँ पे अद्वैत, जैसे प्रियंका जी ने बताया कि नव, क्या बोला था आपने, सब नव वेदांत और अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत जहां पे दो है ही नहीं, नव वेदांत अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कहूं कि गोइंग थ्रू द द्वैत टू द अद्वैत, मैं जैसे जस्ट आई एम सिटिंग, आई एम हियर, सेपरेट बॉडी, यू आर सेपरेट, लेकिन अगर हमारा कनेक्ट हो जाए तो मैं यहीं बैठे बैठे, टेलीपैथी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, आपके दुख को मैं दुख हृदय से पीड़ा में देख लूं। कई माताओं के साथ होता है, बच्चा कहीं दूर रहता है बट सी सफर्स, वो अद्वैत हो जाता है। तो एक नव वेदांत में जैसे है कि अभी मैं द्वैत में हूं, लेकिन एक स्टेप, जैसे हनुमान जी के आपने उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हनुमान भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, उन्होंने बार बार कहा भारतीय को हनुमान राष्ट्रीय आदर्श के रूप में देखने चाहिए, बिकॉज हनुमान कहते हैं कि हनुमान को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया। तो उन्होंने पूछा क्यों,
बोलते हैं जब मैं जब तुम्हारी सेवा करता हूं प्रभु की, तो तुमको स्वामी देखता हूं, मैं अपने आप को दास देखता हूं, और जब मैं अद्वैत में होता हूं, जो राम है वही मैं हनुमान हूं। इस प्रकार की भाव, इसको कोट किया है जो वाल्मीकि रामायण में है, और सॉरी एक क्या नाम है उसका, जो व्यास जी की सॉरी वशिष्ठ रामायण जो जो इसका जिक्र आता है। योग हाँ वशिष्ठ ठीक। रामायण में आता अब आप आपका है। क्वेश्चन है, जैसे सिंपल बहुत ब्रीफ में है। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी डीप। विवेकानंद सेड दैट 1500 इयर्स, व्हाट वाज देयर एनी रीजन अबाउट इट? उन्होंने 1000 नहीं बोला, 1500 इयर्स। कई बार और जस्ट रैंडमली ही नो 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 रैंडमली नहीं है, एक्चुअली कई बार इसको स्वामी जी ने कहा था कि जब वे एक दिन क्या शरीर उनका बहुत खराब था, तो वो किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपका, और स्वामी जी मतलब ब्रह्मानंद जी जो श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र माने जाते थे, गुरु भाई थे उनके, तो उन्होंने पूछा था कि नरेन इतना तो बोलते हो लेकिन कौन करेगा, तो वह गुस्से में हो गए, लोग सुनबे ना, सुनबे मतलब उन्होंने बंगला में बोला, लोग मानबे ना, लोग के मानते ही हवे। ये विवेकानंद क्या कर गया है अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये 1500 वर्षों की एक खुराक में दे करके जा रहा हूं। एक बार उसने कहा था, फिर विज्ञानानंद जी को कहा, फिर निवेदिता को इस लेटर्स में लिखा कि इसको भारत में विवेकानंद, जैसे आप शंकराचार्य को देखते हैं, शंकराचार्य 32 ईयर्स में, लेकिन क्या शंकराचार्य आज जो हम हैं, अगर आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्या उसमें शंकराचार्य आज नहीं है? आज 1200 साल हो गए शंकराचार्य के, भगवान बुद्ध आज नहीं है, क्योंकि वही अवतार, जैसे क्या होता है ना, कुछ महापुरुषों को देखेंगे कि उनके लाइफ टाइम तक खत्म हो जाता है, कुछ लाइफ टाइम में कुछ उनके शिष्य एक, लेकिन एक कास्ट क्रीड एक अलग ही लेवल में चले जाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया था 1500 वर्षों का, मुख्य रूप से इसलिए कि एक जो शताब्दी जो चल मतलब जो एक जो जनरेशन हैं, कोई भी चीज को स्थापित करने के लिए लगभग 1500 साल लगते हैं। आप रामायण की बात करते हैं, भगवान राम जब थे तो उनके उनको सिर्फ 7 लोगों ने पहचाना था, सिर्फ 7 लोगों ने, इवन कृष्ण को भी 4-5 लोगों ने पहचाना था, इवन जीसस क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट के डेथ के 600 साल के बाद बाइबल को कंपाइल किया गया था, मोहम्मद के लगभग 300 साल के बाद उनकी कुरान को सब कंपाइल किया गया था। इनके तो एग्जैक्टली मुझे डेट या अभी नंबर नहीं अब पता। अगले को हाँ You said five, so I'm number four. या ओके ओके And my question जस्ट यू नो वन मोर कमेंट ऑन व्हाट ही सेड दैट यू नो द इट इज वेल नोन द कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेट मेन द बॉडी मे गो अवे बट द कॉन्शियसनेस रिमेन्स देयर बिकॉज देयर आर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल व्हिच विल बी डिलीवर्ड बाय दैट कॉन्शियसनेस ओनली लाइक मोहम्मद कॉन्शियसनेस मे बी देयर फॉर द इस्लामिक पीपल जीसस क्राइस्ट इज स्टिल यू नो अ होप For certain, so you know, this consciousness remains on earth for very long time. Like, and that is why you know we say Hanuman ji is still living, not in a particular body, but he is there. So now with this, you asked quickly a question, and if Yes. it is a very long answer, then you know. Mine is a very quick question, Yeah, you and have the floor. thank for the beautiful lecture where I learned a lot of things. And I would just want to know why Priyanka ji has chosen this for her research. That's all. What? I have chosen this topic, that same quest that Sister Nivedita had. I also have the same quest for that supreme consciousness, and my parents laid the foundation of that. I told you 22 years back, my father gifted me this Kathamrit book, and I was just a student, like I was doing graduation at the time, and I was so much, touched. That was a feeling touching Ma Kali through bhav or through emotions. Then that is the reply due to my parents and who are my teachers also. These are very, you know,
mysterious questions, why you chose Sanskrit? Why not German? So, you know, these are very difficult questions to answer. And now, Pathakji, you are the last. Is there anyone else? No. जैसे निवेदिता ने इतना काम मतलब दूसरी कंट्री के लिए किया, तो उनकी खुद की कंट्री का के लोगों का उनके बारे में क्या विचार? हम भी पूछना चाहेंगे. Actually, Nivedita came to London due to when she was 10, her father died, right? So she came to her grandparents and she lived in London. During that time period, she was attached to CSIM club also. She opened the educational institute also. She was, I told in this lecture, she was rebellious over there, because in London also there was the traditional system of education, and she was against that theoretical framework of education. She worked for that. She made a group of people. She joined various writers over there. She joined that literary clubs also. She had very good relationship among the people who were interested to make the change in the society, a positive change in the society. And I was talking about the Advait Darshan or Vedantic learning. So I told there is no boundary of caste, class, gender, and place. Nation too. She was serving India as well as she was serving in the West also. She used to go to London or America to deliver the lectures to gather the funds for India at the time. But she was more dedicated to India. She was dedicated to the entire world. Please answer her question. Please answer that simply. Her question was that what her countrymen thought about her. Just. Her countrymen had positive opinion about her because she served them also through her revolutionary spirit in education and in literature also. Yes. You. Later. Yeah, in Irish Revolution also she served. जैसे आपने बताया ना कि वो वहाँ पे जब गए थे तो मांस खाने के लिए दिया थे, कोई मुस्लिम देता. एक्चुअली जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, मतलब बंगाल का एक कोई मुस्लिम आए थे, मतलब मैं वही बोलना चाह रही हूँ. बंगाल में हम लोग बचपन से कोट पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद का फेमस जो है, मुची मेथोर दरिद्र सबाई अमर भाई अमर रक्त. मीन्स जो कॉबलर है या फिर जो गटर साफ करते हैं या कोई गरीब है, सारे मेरा ही खून है, मेरा भाई है. तो पहले से ही जो रामकृष्ण परमहंस का बोलिए या अभी तक जो रामकृष्ण मिशन का जो प्रिंसिपल है, कभी भी ये कस्टिज्म कभी भी फॉलो नहीं किए है. इवन टिल नाउ वी हैव सो मेनी महाराज, वी डोंट नो एक्चुअली फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग एंड वी डोंट हैव एनी लाइक बैकग्राउंड ऑफ देम. सो दैट्स व्हाई दे चेंज देयर नेम. And also they were never restricted, and they are not restricted in foods, never. So you can eat whatever you like. But I feel yes. Very nice question. One more coming to work. This is like, self-explanatory question. Swami Vivekanand also suffered, this caste system. Many people would go to Ramakrishna Paramahansa and tell him, "Is Sudra ke ladke ko kyun?" Because castes are supposed to be Sudras there. इस शूद्र के लड़के को क्यों अपने सर पे बैठाए रहते हो? तो फॉर दैट ही आंसर, डू यू नो हु ही इज? ही वाज वन ऑफ द रुद्रास व्हिच ही सॉ. वन मोर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट, द टेंपल दैट वाज ओपनड इन दक्षिणेश्वर, दैट वाज बिल्ट बाय अ लोअर कास्ट वुमन एंड नोबडी वाज रेडी टू बी द प्रीस्ट ओवर देयर, एंड रामकृष्ण परमहंस बिकेम अ प्रीस्ट ओवर देयर. That is the reason why Swami Vivekanand was attracted to Ramakrishna Paramahansa. This is a very important thing. Dani Rashmani, yeah. That is very important regarding casteism. One more thing I should share. I also wept when I read Gospels of Ramakrishna by Mahashay. All of then I had to at point stop for some time because, it'll affect my mind, the emotions. But I loved and now, to go,
Now, Professor Pathak, yours is the last question, and then we will end with Swami Vivekananda. They perceived and not true. Secondly, Maya is illusion because Veda also talks of Asuri Maya. So when we translate Maya as illusion, it's the correct thing. Other points we'll discuss. Philosophy Maya is not called the illusion. You said Shakti. It is not Shakti is different. I think we'll discuss that. Okay. Yeah. The last thing is, that's the best. Don't say intoxication. It is invigoration. Okay. Whenever you come out with emotions, I mean, we also, all of us, we experience, it is not an intoxicating experience. Okay. It is invigorating. अरे मुझे कुछ और ज्यादा करना है. शब्द हैं सर तेरे. ये शब्द हैं कि इसको कैसे आते हैं. If you insist on correcting, then it is invigoration, not intoxication. Let us not go into that. These are, you know, how you interpret. Yeah. Any other? So here we end now, and now with I'll request Swamiji to speak something to conclude her presentation. Namaskar. और विशेष रूप से प्रियंका जी को बहुत सारी साधुवाद और शुभकामनाएं. किन्होंने एक ऐसा विषय चुना जो मुझे एक याद दिलाता है. मैं एक बार किसी कार्यक्रम में था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोग्राम था. तो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ था. ये सीबीएसई बोर्ड जो है उसमें संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको हटाने की बात हुई थी. जस्टिस हंसरिया वाजचिया सुप्रीम कोर्ट में थे तो उन्होंने इसको हटाया नहीं और कुछ भी नहीं किया. बस उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो अभी भी कोटेड है वो, इससे काफी रिलेवेंट है. मैं उसको जस्ट शॉर्ट में करता हूँ. उसमें ये बतलाया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी में कर्फ्यू जब था तो उस समय सी एन सूट का ऑर्डर्स थे. तो बीच में क्या हुआ कि मिलिट्री वालों ने देखा कि प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के हैं, कोई प्रोफेसर काफी सीनियर से, ही वॉज रीडिंग. तो मिलिट्री वाले गए और बोले कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, देखते नहीं हो देश के लिए, देश विपत्ति में है. तो प्रोफेसर भी तो प्रोफेसर थे, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, बोलते देश के लिए रक्षा करो. देश है क्या, मिट्टी का टुकड़ा. देश संस्कृति है, वो सभ्यता है. जिस जर्मनी की बात करो, जिस जर्मन फिलॉसफी की बात करो, वी आर द फाइटर्स. तो ये भारत जो है, ये निवेदिता, कबीर, भारत. आज भारत हम लोग इतना महान क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति या सभ्यता ये. इसलिए स्वामी विवेकानंद कभी नहीं कहते आई एम नथिंग, आई एम न्यू, आई एम टॉकिंग. उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नया नहीं कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है उपनिषदों के अलग मैंने कुछ भी नहीं कहा है. क्योंकि भारत आज हम लोग के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं. इसलिए इनको विशेष साधुवाद. निवेदिता इसलिए इंपॉर्टेंट है. वो बहन भी पूछ रही थी कि निवेदिता ने अपने देश के लिए क्या किया. निवेदिता ने अपने एक लेक्चर में कहा है, जब स्वामी विवेकानंद यूएस में घूम रहे थे तो किसी ने पूछा स्वामी जी जस्ट ही वॉज रोमिंग इन द यूएस एंड रोड्स ऑफ द यूएस. तो उन्होंने कहा, निवेदिता ने इसको रिप्लाई किया, नहीं स्वामी जी घूम नहीं रहे, स्वामी जी वॉज थ्रोइंग द सीड्स ऑफ द ह्यूमैनिटी. और उसके कुछ वर्षों के बाद यूनिसेफ इत्यादि की संग. अब कोई देश किसी देश की रक्षा करने के लिए सुना था कभी? इवन भारत, एक अद्भुत बात सोचो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, स्वामी विवेकानंद के पहले जो लोग थे सब लोग अपने अपने, कोई राजपूताना के लिए लड़ रहा है, कोई ग्वालियर के लिए कोई लड़ रहा है, कोई सिंध के लिए लड़ रहा है, सब पंजाब के लिए लड़ रहा है, लेकिन एक भारत को लेकर के लड़ने की परंपरा, एक भारत विवेकानंद के आइडिया. इसलिए निवेदिता जब एक भारत से कहां जो विश्व पटल पे जाने की, निवेदिता ने उसमें कहा था कि स्वामी विवेकानंद पूरे मानवता में फैल रहे हैं. और यही निवेदिता का भी है. जब भी अगर क्या होता ना कि अगर अपने देश में, जैसे आप यहाँ हो, अगर कोई सवाल यही पूछ सकता अपने घर पे क्यों नहीं हो, मैं भी रामकृष्ण मिशन, मैं छोड़ के कहा हूं पता नहीं. कहने का अर्थ, जब आप अलग हो जाते हैं तो आपके लिए कोई एक समाज बाउंड्री नहीं होता, जस्ट ह्यूमैनिटी.
और यही निवेदिता ने किया। और निवेदिता का रोल हम लोगों ने बहुत, निवेदिता को बहुत लाइटली लिया है। निवेदिता को सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे तो हु वाज द बिहाइंड रविन्द्रनाथ टैगोर, निवेदिता, हु वाज द बिहाइंड जगदीश चंद्र बोस, गोखले, जगदीश चंद्र बोस को जितने अवार्ड मिले या जगदीश चंद्र बोस के जो रिसर्च थे उसको किया गया। आपको शायद एक और पता होगा, 1900 ईस्वी में स्वामी जी के दो साल देह त्याग के 2 साल पहले विश्व कांग्रेस हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद वाज इमिनेंट स्पीकर थे। वहां पे जगदीश चंद्र बोस भी थे, स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति। अगर क्या आपको जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो टाटा इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं बैंगलोर में है, अंग्रेजों ने उसको कितनी बार तो रिफ्यूज कर दिया था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका था कि इंडिया में रिसर्च ना हो। इसके पीछे कौन लगा था? निवेदिता, जिसने भारत में रिसर्च करने के लिए किस दिशा में, स्वामी विवेकानंद के दो आइडिया थे, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, मैन मेकिंग को हम नेशन बिल्डिंग के साथ जोड़ देते, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम तो रामकृष्ण मिशन को में जो उनके सन्यासी शिष्य थे उनको दे दिया, लेकिन मैन मेकिंग, निवेदिता बोलती है मैं राष्ट्र निर्माण के लिए जा रही हूं। और ऐसा नहीं कि वो अरविंदो के पास गए थे तो अरविंदो कोई सेपरेट बॉडीज नहीं थे अलग अलग, हर को एक दायरा दिया गया था कि आप ये करो वो करो। इसलिए प्रियंका जी विशेष धन्यवाद की पात्र हैं कि एक ऐसा विषय चुना जो लोगों पास, लोगों के लिए अछूता तो नहीं लेकिन ज्यादा अनुभव में नहीं है, ज्यादा जानकारी में नहीं है। मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब भी शायद निवेदिता के ऊपर में बुक भी लिखे हैं या कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे आप शायद अपने, नहीं नहीं आप किन्हीं के कोट कर रहे हैं? इनका नाम है निवेदिता, नहीं आपको नहीं, मैं किसी और को बोल रहा हूँ, शायद आप कोट कर रहे थे। तो भी किताब लिखी। अच्छा, पाठक सर ने। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली सिर्फ हम लोगों ने कुछ किताबें नहीं है, ये आइडियाज हैं। और आइडियाज जैसे स्वामी विवेकानंद कहा कि पुराने परंपराओं को नए कलेवर में देने का, जी कुछ भी नहीं है नए कलेवर में। श्री राम कृष्ण जो बार बार बोल रही थी प्रियंका जी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कभी वेदांत नहीं पढ़ा लेकिन वेदांत को जिया, और वही विवेकानंद ने उसको अनुभव किया कि जो सर्वम खलु विदम ब्रह्म की बात कर रहा है, फिर भी हम बोलते हैं यू आर द लोअर कास्ट का हो तुम बाहर निकलो, अरे लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए एक थ्योरी देता है, एक उसको जीता है और एक उसको सारे ब्रह्मांड में फैलाता है। भगवान बुद्ध से स्वामी जी अक्सर इंस्पायर थे, तो उनके थे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। कोई भी आइडिया अगर अकेला काम करेगा तो नहीं हो सकता, इसके लिए एक संघ की भी आवश्यकता है। और एक जो हायर गोल, हम लोग आज सोसाइटी है कि ना कि पी क्यू आई क्यू और एस ई क्यू और एस क्यू की बात करते हैं, लेकिन आज हम लोग पी क्यू आई क्यू और ई क्यू तक ही सीमित रह गए, फिजिकल कोशेंट और इंटेलेक्चुअल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट तक, बट हायर गोल। इसलिए विवेकानंद उस समय भी थे आज भी हैं, इसलिए आप कभी भी विवेकानंद, आप ओपन चैलेंज है, आप रविंद्रनाथ नेहरू जी की तस्वीर लगी, नेहरू जी ने एक लेटर में लिखा था कि जब भी मैं विवेकानंद को पढ़ता हूँ लगता है जैसे मेरे अंदर करंट दौड़ रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा वो नहीं था उनका, फिर भी वो इसको कोट करते हैं। अभी भी आप विवेकानंद को पढ़ो आप थ्रिलिंग सा फील होगा, क्या लगता कहीं वो मेरे लिए है, दिस वर्ड्स आर फॉर मी ओनली। अदरवाइज आज सोचो रामकृष्ण मिशन तो इनको भी जैसे इंस्पायर कर रहा है पूरे विश्व में, हम सन्यासियों की बात छोड़ दो लेकिन एक विवेकानंद के नाम पे यार घर पर छोड़ करके लोग चले जाते हैं। कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, वो साउथ इंडिया का है, वो आदमी आया और बोला कि मैं विवेकानंद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पूरे घर पर जो कुछ भी है विवेकानंद, जहां तक हो सके समाज के लिए। कौन है, क्या एक आइडिया पूरा एक पूरा चेंज कर सकता है? आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, यही है भारत, दिस इज कॉल्ड इंडिया, भारत। भारत में कोई मतलब जैसे क्या होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि से सर्वम खलु विदम ब्रह्मा, we all are one, that's way we pray to all, हम सब में जो देवत दिव्यता है उसमें प्रणाम करते हैं।
हम रामकृष्ण मिशन में जो मॉन्ग्स हैं, कई मॉन्ग्स मुस्लिम फैमिली से आते हैं, कई मॉन्ग्स क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं, एंड इत मॉन्ग्स की बात है, कई जो इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं या डिवोटीज हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन ऑल्सो, और उनको लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ, यहाँ पे मुझे कोई पूछता, मतलब एक अपनापन सा फीलिंग, यही तो है भारत, इसलिए भारत सबको अट्रैक्ट करता है, निवेदिता को भी अट्रैक्ट किया था, ये है भारत, क्योंकि भारत सबको समाहित कर लेता है। एक बुक है, कभी आपको पढ़ना, पॉल ब्रंटन की, सॉरी पॉल ब्रंटन बोलता हूँ, द सीक्रेट ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी नहीं पॉल ब्रंटन, सॉरी इंडियन रोड टू द नेशनहुड, पॉक हैमर की एक बुक है, जर्मन राइटर है शायद, पॉक हैमर, और दूसरी एक हिंदी में रामधार सिंह दिनकर की पुस्तक है, भारतीय संस्कृति के चार जाल, अध्याय, चार अध्याय, उसमें भी वो बोलते हैं। हाँ also the book of Amartya Sen, यस, the argumentative India, where ओह दैट इज ऑन डिफरेंट, नॉट, नहीं, लेकिन इंडिया, इंडिया अगर कोई है तो इंडिया में ये नहीं बोल सकते कि आई एम इंडिया, वी ऑल आर इंडिया, इसलिए जस्टिस संसरिया का है, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, मैं आज शिमला में बैठा हूं ये भी भारत है, कल मैं तमिलनाडु में होऊंगा वो भी भारत है, मैं नॉर्थ ईस्ट में था वो भी भारत है, क्योंकि भारत कहीं कोई मिट्टी नहीं है, देश में होगा तो इसलिए भारत हम सब हैं, इसलिए अर्जुना को भगवान कृष्ण कहते उत्तिष्ठ भारत, उन्होंने इसको भारत बोला, भारत को कोई किसी ह्यूमन से नहीं जोड़ा। थैंक यू सभी को, और प्रियंका जी के लिए विशेष, भारत, आपने कहा भारत, भारत इज ए कॉन्शियसनेस, भारत मीन्स भास्कर, भारत द लाइट विच इज रथ विच इज इम्बाइब्ड, सो दैट वे द होल कॉस्मॉस इज भारत, भारत इज फ्रॉम भास्कर, भास्कर मीन्स द सन, दैट मीन्स द लाइट, रथ मीन्स विच इज या विच इज एब्जॉर्ब, हाँ, सो दैट इज भारत, सो भारत इज ज्ञान की खोज में तत्पर, भारत इज लाइट मीन्स ज्ञान कॉन्शियसनेस, एंड वन इट्स वेरी तुच्छ कमेंट आफ्टर ऑल दिस, वेरी तुच्छ, बिकॉज यू आर एन इंग्लिश टीचर, सो आई मस्ट मेंशन दैट आई रिगार्ड, यू नो, आई हैव रेड सिस्टर निवेदिता एंड आई हैव फाउंड पैसेजेस इन हर राइटिंग्स विच आर, यू नो, वेरी रिदमिक, and I have chosen them as poetry. I think that बिल्कुल there are a few English writers in India who have this, you know, facility of language to, you know, and her writings are very, very rhythmic. It's almost poetry. Read any chapter, yes, that except a few parts which may not be poetic, but her English is poetry. That you must, you know, not forget. Like one kind of English was written by Sri Aurobindo, which was, you know, laden with That's thoughts, musical and lyrical. thought. Yes. And the second English was written by, you know, Swami Vivekananda, which was Yes. very simple. And this was so musical. And Yes. of course, Gandhi and Nehru also. So these are, you know, trendsetters. धन्यवाद Yeah. So with this, we disperse. More discussion outside.